Good morning. Today I am going to discuss the next chapter of mathematics, triangle. In triangle, in this chapter we are studying about the similarity of a triangle. हम similarity, triangle की similarity के बारे में discuss करेंगे. Similarity के बारे में discuss करने से पहले ही हम थोड़ा congruency के बारे में जान लें. Congruency होती क्या है? प्रीवियस क्लास में आपने कॉन्ग्रेंसी के बारे में पढ़ा था. क्या पढ़ा था? कि दो ज्योमेट्रिकल टू ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रेंट कब होते हैं? जब उनके शेप और साइज दोनों इक्वल. दैट मीन शेप कहने का मतलब यहां एंगल से है और साइज का मतलब होता है लेंथ से है. यानी दो ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रेंट तब होंगे जब उनके एंगल यानी शेप और साइज दोनों इक्वल हो. दैट मींस अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रेंट होते थे? कहने का सेंस दो ट्रायंगल के पास है तो तीन एंगल होते हैं और तीन साइज. यानी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो और तीनों साइड करस्पॉन्डिंग तीनों साइड के बराबर हो तभी वो कॉन्ग्रेंट होती थी. आपने प्रीवियस क्लास में यानी क्लास 9th में कॉन्ग्रेंसी के बारे में डिटेल पढ़ा था. अब कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंसेस क्या है? कि सिमिलरिटी यानी दो ज्योमेट्रिकल फिगर सिमिलर तब होते हैं जब उनके शेप इक्वल है. साइज जरूरी नहीं है. यानी अगर एंगल इक्वल यानी दिखने में एक ही तरह कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दिखने में एक ही तरह है तो वो सिमिलर है जब इन्हें उनकी लेंथ बराबर हो. लेंथ बराबर नहीं होगी चलेगा, लेकिन अगर एंगल बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. जैसे हर रेक्टेंगल एक दूसरे के सिमिलर होता है. एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 16 है, ब्रेथ 22 है. दूसरा रेक्टेंगल है जिसकी ब्रेथ 42 है और लेंथ 8 है. ये दोनों रेक्टेंगल सिमिलर है, दिखने में एक ही तरह है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है. कॉन्ग्रुएंट होने के लिए लेंथ और एंगल दोनों बराबर होने चाहिए. सारे एंगल बराबर होने चाहिए और एक फिगर के सारे एंगल दूसरे फिगर के सारे एंगल के बराबर होने चाहिए और एक फिगर की सारी साइड दूसरे फिगर के सारी साइड के बराबर होनी चाहिए. बट सिमिलरिटी में ऐसा नहीं है. एक जनरल मीनिंग में चले कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर सिमिलर तब होते हैं जब उनको देखने में यानी विजिबिलिटी में दोनों एक ही तरह का दिखे. और मैथमेटिकली स्टेटमेंट में अगर हम इसे समझे कि दैट मींस दो ज्योमेट्रिकल यानी टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम इन शेप. अगर उनका शेप सेम हो दैट मींस एंगल सेम हो. इज दैट क्लियर? क्योंकि रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 होते हैं, एक रेक्टेंगल के दूसरे भी चारों 90 है, इसलिए सिमिलर है. Is that clear? तो कहने का सेंस है कि एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया 60 60 60, इसकी साइड ईच 5 सेंटीमीटर. दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, दैट मीन्स एंगल क्या होंगे? 60 60 60, बस साइड क्या लिया? 2 ले लिया है. दोनों क्या है? ये दोनों फिगर क्या है? ट्रायंगल सिमिलर है. ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं. कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड भी इक्वल होने चाहिए एंगल के साथ साथ. बस सिमिलर होने के लिए एंगल इक्वल हो जाए, काम हो जाए. इज दैट क्लियर? सिमिलरिटी में क्या, तो दैट मीन्स सिमिलरिटी की डिफिनेशन क्या बनी? टू आर मोर देन टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर शेप आर इक्वल. अगर हम ट्रायंगल की सिमिलरिटी की बात करें तो ज्योमेट्रिकल फिगर की जगह आप ट्रायंगल बोल दीजिए. टू आर मोर देन टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर सेम, दैट मींस एंगल्स ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. क्लियर हो गई बात? चलते सिमिलरिटी के बारे में बात किया, यानी दो ऑब्जेक्ट सिमिलर कब होते हैं. तो इस नोट में हमें एक चीज पता चली कि अगर दो ट्रायंगल या दो ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिमिलर तो होंगे, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बराबर ही होंगे यानी वो सिमिलर भी होंगे.
बट कन्वर्ज इज नॉट टू, दैट मीन्स अगर सिमिलर है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे. अभी देखेंगे सिमिलर थे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं, तो दैट मीन्स टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर, या हम फिगर की बात ट्रायंगल पे ही आ जाते हैं, कि ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कंफर्म है कि वो सिमिलर होंगे, बट सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं. प्रीवियस क्लास में कॉन्ग्रुएंसी में बहुत कुछ आपने थ्योरम पढ़ा, बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो यहां पे भी हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, डीपीटी थ्योरम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. क्योंकि यहां सिमिलरिटी हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ ट्रायंगल की सिमिलरिटी बात करेंगे. बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल के, ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, तीन, किसी ट्रायंगल के जो कह दिया, किसी ट्रायंगल की अगर एक लाइन ड्रा की जाए जो किसी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही हो और पैरेलल हो थर्ड साइड को, तो वो उसे सेम रेशियो में डिवाइड करता है. अ लाइन डिवाइड टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड पैरेलल टू थर्ड साइड इज डिवाइड इन सेम रेशियो. जैसे समझिए थ्योरम क्या कहता है, अ लाइन डिवाइड टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड पैरेलल टू थर्ड साइड आर डिवाइड इन सेम रेशियो. एक बार और समझते हैं कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट, डिवाइड ना बोले, इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू थर्ड साइड, देन इट डिवाइड इन सेम रेशियो, वो उन्हें सेम रेशियो में डिवाइड करता है. दैट मीन्स गिवन में क्या है, जो एम एन है वो पैरेलल है बी सी के, ए बी सी क्या है, इज अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसमें हमने एम एन ड्रा किया जो कि पैरेलल है बी सी के. टू प्रूव हमें करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन सी एन. यानी अगर किसी ट्रायंगल की कोई एक लाइन ड्रा किया जाए जो किसी एक ट्रायंगल के दो साइड को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो और तीसरी साइड के पैरेलल हो, ये लाइन ड्रा किया हमने, ये इसको एम पर इंटरसेक्ट कर रही है और यहां पर एन पर इंटरसेक्ट कर रही है और बी सी के क्या है, वो पैरेलल है, तो इनका रेशियो इक्वल होगा, ये सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे. दैट मीन्स ए एम अपॉन बी एम बराबर होगा ए एन अपॉन सी एन. क्लियर हो गए बात, तो चले प्रूव करते. यही हमारा डीपीटी थ्योरम है, डीपीटी थ्योरम. क्लियर हो गई बात, तो आपने नाइन्थ में पढ़ा था कि 90% जो थ्योरम है वो विदाउट कंस्ट्रक्शन होंगे नहीं, तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि एम से एसी पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और N से AB पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसका नाम P और इसका नाम Q है, और M से C को मिला दिया और B से हमने C को मिला दिया. तो प्रूफ ना करके यहां पर हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या हुआ कि ड्रा एम पी परपेंडिकुलर टू ए सी एंड एन क्यू परपेंडिकुलर है हमारा ए बी पर एंड ज्वाइन बी टू एन एंड सी टू एम. ये हमने कंस्ट्रक्शन किया. समझ में आया थ्योरम का कॉन्सेप्ट, समझ में आया कि गिवन क्या है और करना क्या है हमें. तो गिवन क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन एक्स वाई है
जो ट्रायंगल की दो साइड ए बी और ए सी को एम और एन पर इंटरसेक्ट कर रही है और एम एन पैरेलल है बी सी के, देन हमें प्रूव क्या करना है, ए एम अपॉन बी एम बराबर ए एन अपॉन सी एन, ये प्रूव करना है। क्लियर हो गई बात? तो देन फिर से हम एक बार थ्योरम को रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड दो साइड को इंटरसेक्ट करें एंड पैरेलल टू थर्ड साइड, देन इट डिवाइड्स द लाइन इन सेम रेशियो। तो चले प्रूव करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। प्रूफ, प्रूफ करते हैं। तो अगर हम देखें सबसे पहला हमारी प्रूविंग क्या, ऊपर हमने लिख लिया ए एम अपॉन बी एम बराबर है ए एन अपॉन सी एन, यह हमें देखना है। तो क्या करें, सबसे पहले इस ट्रायंगल को ले ए एम एन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन, हम पहले इधर वाली दोनों साइड ले लेते हैं, इसके बारे में बाद में, ए एम और बी एम ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन, किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर वो होता वन अपॉन टू बेस, देखिए ये ट्रायंगल है ए एम एन, अगर बेस हम ए एम ले लें तो परपेंडिकुलर क्या लेंगे एन क्यू, इस बार बेस ए एम लिया तो परपेंडिकुलर एन क्यू, इक्वेशन वन। दूसरा अब इस ट्रायंगल में ले ले, ये साइड इस ट्रायंगल में आ रही है, ये ट्रायंगल। नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन एम इज इक्वल, देखिए बी एन एम, बी एन एम इस ट्रायंगल में, तो वन अपॉन टू, ये देखिए ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अगर कोई ट्रायंगल है ऑब्ट्यूस एंगल तो उसमें परपेंडिकुलर आउटसाइड में होता है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ये 90 से बड़ा है, इसका परपेंडिकुलर यही हो काम करेगा। तो बेस तो हम लेंगे बी एम, क्योंकि ट्रायंगल में बेस बी एम यही ओरिजिनल लेते हैं, एंड परपेंडिकुलर एन क्यू, इक्वेशन टू। इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और टू को हमने डिवाइड किया, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन एम इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू ए एम इंटू एन क्यू अपॉन वन अपॉन टू बी एम इंटू एन क्यू, वन अपॉन टू वन अपॉन टू कैंसिल, एन क्यू कैंसिल, बराबर ए एम अपॉन बी एम आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन एम का रेशियो, ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके साइड के रेशियो के कंपैरिजन में आ गया। नाउ नेक्स्ट सेकेंड है हमारा, अगेन 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 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन बराबर होगा वन अपॉन टू बेस ए एन और हाइट, अभी सर ले रहे हैं इस ट्रायंगल का एरिया फिर से निकाल रहे हैं, लेकिन अब बेस क्या ले रहे हैं ए एन और हाइट क्या ले रहे हैं एम पी, ये इक्वेशन हमारा थ्री हो गया। अब ये साइड किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, इस ट्रायंगल में, तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एम एन, सी एम एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू बेस सी एम, सिमिलरली ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर यही होगा एम पी,
इक्वेशन फोर, इक्वेशन थ्री डिवाइडेड बाय इक्वेशन फोर वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एम एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू कैंसिल, एम सी और एम सी कैंसिल, तो बचेगा क्या ए एन अपॉन सी एन। देखिए जब वन अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली एम सी और एम सी कैंसिल होगा, बचेगा क्या ए एन अपॉन सी एन। ये हमारे पास आया, इसे इक्वेशन हम ए नाम दे देते हैं और इसे इक्वेशन बी नाम दे देते हैं। आ तो गई ए एम अपॉन बी एम इधर आ गया और ए एन अपॉन सी एन इधर आ गया। अगर इन दोनों को बराबर दिखाना है तो ये एरिया ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इक्वल दिखा दे तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाए। ऊपर वाला दोनों का सेम है, न्यूमरेटर सेम है, बस डिनोमिनेटर डिफरेंट है। यानी अगर हम डिनोमिनेटर ये और ये बराबर दिखा दें तो हमारा काम हो जाए। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन एम, वेयर इज बी एन एम, बी एन एम ये ट्रायंगल, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन एम बराबर दिखा दे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एम एन, सी एम एन ये ट्रायंगल दिखा दे तो काम हो जाए। तो ध्यान से देखिए, आपने नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़ा था, ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस या पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अगर दो ट्रायंगल हैं वो एक ही बेस पर है और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है तो उनके एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम एन बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एन एन, रीजन ऑन द सेम बेस एम एन एंड बिटवीन सेम पैरेलल एम एन पैरेलल टू बी सी। क्लियर हो गई बात? तो इसे मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एन एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एम एन, रीजन ऑन द सेम बेस, सेम बेस एम एन एंड बिटवीन सेम पैरेलल इक्वेशन सी। यानी अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशन ए बी सी से तो राइट हैंड साइड, चलिए बी एन एम की जगह सी एम एन रख दिया तो ये दोनों बराबर हो गए, हो गए। अगर हम बी एन एम की जगह यहां पर सी एम एन रख दिया तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर ए एम एन, ऊपर ए एम एन, यहां पे हो जाएगा सी एम एन, ये भी सी एम एन। तो हेंस डायरेक्ट मैं लिखूंगा, हेंस फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी वी गेट द रिजल्ट ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन सी एन। समझ में नहीं है कैसे है? जो इक्वेशन सी है किसी एक में पुट कर दो, बी एन एम की जगह सी एम एन रख दीजिए तो ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी अगर राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। तो हमारा प्रूफ हो गया कि ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन सी एन। ये भी पीटी थ्योरम कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल को एक लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और तीसरी साइड के पैरेलल है तो उसे सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर? चले आगे प्रारंभ करते हैं इसको। इसमें नोट में बहुत और कुछ भी होते हैं अगर हम इसे समझे तो। यानी अभी हमने पढ़ा कि एम यानी कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ऊपर वाला टुकड़ा और नीचे वाला टुकड़ा एक तरफ का बराबर हुआ ऊपर वाला टुकड़ा और नीचे वाला दूसरे तरफ। लेकिन हम अगर कहें तो एक
इसमें कई सारे ऑप्शन और बनते हैं, यानी अगर हम ले इस साइड में एम अपॉन ऊपर वाला टुकड़ा अपॉन पूरा बराबर होगा इधर वाले का ऊपर अपॉन पूरा, जैसा इधर लेंगे वैसा इधर लेंगे वो भी बराबर होंगे, यानी ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन ए सी, या अगर हम इधर नीचे ले रहे हैं बी एम अपॉन पूरा ए बी बराबर होगा सी एन अपॉन ए सी। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं ये कैसे आया। अगर बिकॉज ए एम अपॉन बी एम बराबर हो गया ए एन अपॉन सी एन, दोनों तरफ अगर प्लस वन कर दिया जाए तब भी इक्वल रहेंगे, तो एम एलसीएम लिया एम एलसीएम बीएम आया एम प्लस बीएम बराबर एन प्लस सीएन अपॉन सीएन, एम प्लस बीएम एम प्लस बी एम क्या बन गया ए बी, ए बी अपॉन बी एम बराबर इसी तरह ये बन जाएगा ए सी अपॉन सी एन। दैट मीन्स इस तरफ का पूरा ए बी अपॉन ऊपर वाला हिस्सा बराबर हो गया, या नीचे वाला हिस्सा बराबर इधर का पूरा अपॉन नीचे वाला हिस्सा। अगर यही चीज पलट दे हम तो बी एम अपॉन होल इज इक्वल टू सी एन अपॉन होल। अगर पहले ही पलट देते हैं और फिर ऐड करते तो पहला वाला जाता ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए सी। तो कहने का सेंस है कि हम जिस तरह का इधर साइड लेंगे लेफ्ट लेंगे वैसा ही राइट लेंगे, यानी अगर हम इधर ले रहे हैं ऊपर वाला टुकड़ा अपॉन नीचे वाला ए एम अपॉन बी एम बराबर होगा ए एन अपॉन सी एम, ये हमारा मेन है सी एन। अगर इधर हम ले रहे हैं ए एम अपॉन पूरा ऊपर वाला टुकड़ा अपॉन ए बी तो बराबर होगा ए एन अपॉन ए सी के। सिमिलरली अगर हम ऐसे कर रहे हैं बी एम अपॉन ए बी बराबर होगा सी एन अपॉन ए सी। तो सेम पैटर्न पर हम इसे प्रूव कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम प्लस वन करेंगे ये आया, इसमें दो पैटर्न आए, और वैलेट के सब प्लस वन करते हैं वो अलग आएगा, ये चारों चीजें आ गई। यानी मेन कहने का मतलब बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, मेन क्या कहता है कि अगर कोई लाइन इसी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और तीसरे के पैरेलल है तो उसे सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। क्लियर हो गया।